गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 8 हनीडू जो बुक है हमारी, इसका फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जो क्रिसमस का उपहार है संसार में वो सबसे अच्छा देखो क्या है। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज देम एंड रिमेंबर्स देम। इस संसार में कुछ समय है या जो तिथियां हैं वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि उन्हें जानना, सबके लिए याद रखना वो जरूरी है। दिस स्टोरी यू विल बी रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, ए वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। और एक ऐसी ही जो स्टोरी है वो अब हम पढ़ेंगे, एक ऐसी घटना या तारीख का जो वर्णन करती है वो किसमें, ब्रिटिश में और जर्मन के जो बीच में जो वार हुआ था 1914 में। कैन यू गैस व्हाट वार इट वाज, क्या ये अनुमान लगाओ कि वो वार क्या था, युद्ध क्या था। देखो, आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मैं एक रोल टॉप डेस्क को के ब्रिडपोर्ट में समुद्र के किनारे जो दुकान पर है उसे देखा मैंने। The man said it was early 19th century and of। और उस आदमी ने कहा कि 19वीं सदी का है, 19th century का है, और किससे बना है, ओक से, ओक की जो ट्री होती है, बलूत की लकड़ी होती है उससे। I had always wanted one, मैंने इसे हमेशा चाहा, but they were always far too expensive, लेकिन ये हमेशा ही दूर रहा, किस कारण से, ये बहुत महंगा था। This one was in a bad condition, ये एक बुरी कंडीशन में था। The roll top in several pieces, ये roll top अनेकों टुकड़ों में था। One leg clumsily mended, scorch marks all down one side, और ये क्या था, One leg clumsily, ये इतने भद्दे ढंग से mended किया हुआ था, सुधार किया हुआ था इसका। Scorch marks all down one side, और एक साइड में इसके जले हुए के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, ये अब जो है बहुत ही कम पैसों में बिक रहा था। क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन बुरी थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे सुधार सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क ए चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, ये एक रिस्क था या एक चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन मैंने इसे किया। I paid the man, मैंने उस आदमी को पे किया, and brought it और इसे लिया, it back to my workroom at the back of the garage, और जो मेरी गैरेज के बैक में जो मेरा वर्क रूम था उसमें मैंने इसको रखा। I began work on it on Christmas Eve, मैंने इस पर काम करना शुरू किया क्रिसमस पर। आगे है, I removed the roll top completely and pulled out the drawers, मैंने इसको रोल टॉप को पूरी तरह से रिमूव किया और इसके ड्रॉर्स को धकेला या पुल किया। The veneer had lifted almost everywhere, जो veneer है प्लास्टिक की जो इसकी पतली जो परत थी वो ऊपर उठी हुई थी सभी जगह से। It looked like water damage to me, और इसे पानी ने खराब कर रखा था। Both fire and water had clearly taken their toll on the desk, और आग और पानी दोनों ने ही इसे खराब कर रखा था। The last drawer was stuck fast, जो इसका आखिरी जो drawer था वो ज्यादा tight बंद था। I tried all I could to ease it out gently, मैंने इसे खोलने की कोशिश की। In the end I used brush brute force, जितना कि मुझमें एक कठोर शक्ति लगाकर। I struck it sharply with the side of my fist, और मैंने अपनी मुट्ठी की साइड पे इसको एक ज्यादा तेज तरीके से स्ट्रक किया। The drawer flew open to reveal a shallow space underneath, और जो ड्रॉअर है उसके एक शैलो होता है बेटा खोखला, उसमें एक जो उसके नीचे ड्रॉअर के नीचे खोखला पार्ट था उसकी तरफ वो धकेला या खुला। ए सीक्रेट ड्रोवर, जो क्या निकला उसके नीचे से, एक गुप्त ड्रोवर। देर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रिस्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लॉक, सॉरी ब्लैक टिन बॉक्स, मैं वहां गया और
एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स था, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, और उस पर एक सेलो टेप लगी हुई थी। इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, एक लाइन वाला पेपर था, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर बहुत ही अस्थिर, शेकी हैंड राइटिंग होता है, अस्थिर लिखाई लिखी हुई थी। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये था जिम का अंतिम पत्र, जो कब मिला था, जनवरी 25, 1915 में। टू बी ब्यूरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आया तो मेरे साथ ही दबाया गया। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, ये बात मैं जानता था कि इस बॉक्स को ओपन करना गलत है, बट क्यूरोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। लेकिन जो क्यूरोसिटी होती है, जो जिज्ञासा हमारे अंदर की होती है, उसने मेरे संकोच को वो दबा लिया और फिर मैंने इसको खोला। आगे है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस था उस पर, मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कोपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने इस पत्र को निकाला और खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप पर ऊपर जो डेट थी वो लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। आगे बेटा, डियरेस्ट कोनी, जो उसने पत्र में पढ़ा था वो देखो क्या है अब। डियरेस्ट कोनी, प्यारे कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं जो मेरे मन की जो सबसे अच्छी या सुखद अवस्था है वो लिख रही हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, क्योंकि कुछ अजीब घटना, अद्भुत घटना है वो हुई है। That I must tell you about it was, जो मुझे एक बार तुम्हें बतानी चाहिए। We must all standing to in our trenches yesterday morning, trenches होता है hole, जब हम सारे hall में खड़े हुए थे yesterday morning में, Christmas morning जो थी। It was crisp and quiet all about, सभी जगह शांति थी। As beautiful a morning as I ever सीन, जितने की हर सुबह होती है। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, फ्रोस्टी होता है सुहानी, और वो जो क्रिसमस की मॉर्निंग है वो सुहानी और कोल्ड, ठंडी होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, ये क्या है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि हमने इसे बिगेन किया था, शुरू किया था। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई है, आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिस्ट बिगेन इट, लेकिन अशेम्ड होता है शर्माना, कि मुझे ये बताते हुए भी शर्म आती है कि इसे मैंने नहीं, फ्रिस्ट ने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ ए व्हाइट फ्लैग वेइंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले किसी ने, जो एक ट्रेंचेस में हॉल के अपोजिट साइड में किसी ने फ्लैग को, झंडे को लहराते हुए देखा। Then they were calling out to us from across no man's land. लेकिन वहां पर एक जो फिर क्या था, वहां दूसरी साइड से वो हमें पुकार रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टोनी, हैप्पी क्रिसमस, जो क्रिसमस की मुबारकबाद है वो दे रहे थे। When we had got over the surprise, लेकिन जैसे ही हमने अपने हैरानी पर काबू पाया, some of us shouted back. वो वापस से चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू फ्रिज। आई थॉट दैट वुड बी दैट, हमने सोचा है कि जो ये मामला था ये खत्म हो गया है। वी ऑल डिड, हमने भी किया, क्या किया, सबने विश किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, लेकिन अचानक से ही हमने किसी को आते हुए देखा है, कि कैसे कलर में, सॉरी कैसे ड्रेस में, एक ग्रे ग्रे कोट पहने हुआ था, हुए था, और एक सफेद झंडे को वेव कर रहा था, लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया कि शूट मत करना लड़के,
एंड नो वन डिड और किसी ने नहीं किया देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरपेट एंड अनदर और वहां पर छत के किनारे एक दूसरा फ्रिज था. कीप योर हेड्स डाउन अपने जो सर हैं वो नीचे रखो. I told the man it's trick. मैंने उसे उस मैन को कहा कि it's a trick. ये एक ट्रिक है, खेल है. But it wasn't. लेकिन ये खेल नहीं था. आज के लिए बेटा इतना ही. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स.